कभी भी आप पलटन में जाना और घंटा कराओ तो अंकल की दुकान में जरूर आना, अंकल बहुत। नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज था मेरा सेकंड लास्ट पेपर, बट मेरी टेंशन अब पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अब जो लास्ट पेपर मेरा बचा है ना यार, वो बहुत ज़्यादा टफ लगता है मुझे, और उसका नाम है अकाउंट्स। यार पता नहीं, कुछ चैप्टर को छोड़ के अकाउंट्स के ज़्यादातर चैप्टर में नींद आती है और बोरियत इतनी आती है, मैं बता नहीं सकता। तो अकाउंट्स की प्रिपरेशन के लिए मम्मी ने कहा कि बाजार से थोड़े सैंपल पेपर ले आना। तो आज मैं आपको एक स्टेशनरी शॉप पर ले जाऊँगा, जाके अंकल मुझे बहुत ज़्यादा मस्त लगते हैं अंकल, तो मतलब आपको मिला के लाऊंगा, काफ़ी मस्त से अंकल है। तो फिलहाल आज है हमारा चैलेंज का डे 7, और डे 6 की वीडियो मैं इसलिए नहीं डाल पाया था क्योंकि उस दिन मेरा मैच था और पेपर की प्रिपरेशन भी करनी थी, और मैंने जगनिंग चैलेंज करा था बट शाम को करा था और उस टाइम अंधेरा हो चुका था, तो फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और कल जो मैंने जगनिंग चैलेंज करा था ना, वो एक नए तरीके से करा था, वो आपको आज वीडियो में आके पता चल जाएगा, और वो तरीका मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगा है। तो चलिए फिलहाल हम लंच करके आते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं रेडी हो चुका हूँ, खाना पीना खा लिया मस्त अपना, अब जा रहे हैं हम अपने सैंपल पेपर लेने। जैसे जंग में जीतने के लिए तलवारों की ज़रूरत होती है, ऐसे एग्ज़ाम में जीतने के लिए सैंपल पेपर वगैरह की ज़रूरत होती है। तो मैं ज़रा अपना भूत वाला मास्क पहन लूँ, उसके बाद चलते हैं। एक मिनट, और यहाँ लाइफ ऑफ अ व्लॉगर। तो चलिए हो गया हम रेडी, काफ़ी डेंजर मास्क है, तो चलिए चलते हैं। तो मेरे साथ मेरी बहन भी जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये रही हो दुकान जनता पुस्तक भंडार। और कभी भी आप पलटन में जाना और घंटा कराओ तो अंकल की दुकान में जरूर आना, अंकल बहुत स्वीट है, मेरे को अच्छा लगता है, मैं हमेशा अंकल से किताबें लेता हूँ। फ्रेंड्स, अब हम निकल गया घर की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने घर में, और अब टाइम है चैलेंज करने का, तो हम करते हैं अपना 1000 जगलिंग चैलेंज, और नए पैटर्न से करूँगा मैं। और दूसरी बात फ्रेंड्स, मैं अभी किताब लेके आया, तो पब्लिक में ब्लॉग बनाने के लिए ना यार बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, अगर आप में पागलपन है ना तब जाके आप पब्लिक में ब्लॉगिंग कर पाओगे यार, मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। पहले तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती, मेरी छोटी बहन मुझे बोलती थी कि आओ ना यार, कितना आप डर रहे हो, ये कर रहे हो, मैं बात करती हूँ, तो मतलब तब मैंने थोड़ी हिम्मत करके अंकल से बात करी, और अंकल तो इतने खुश हो गए थे, मतलब जैसे कि मतलब अंकल की खुशी देखने लायक थी यार, मज़ा आ गया। तो काफ़ी अच्छे अंकल हैं, और ये मतलब बुक्स वगैरह सब मतलब फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड आपको सब बुक्स मिल जाएगी अंकल की दुकान पे, तो एक बार विजिट ज़रूर करना। तो चलिए हम अपना आज का चैलेंज कंप्लीट करने चलते हैं। वो तरीका रहेगा 1000 जंगलिंग कंप्लीट करने का, थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसे कि मैं 500 जगल्स करूँगा छोटी बॉल से, और 500 जगल्स करूँगा मैं बड़ी बॉल से। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका लगा मुझे, मतलब 500 जगल्स बड़ी बॉल से, 500 छोटी बॉल से, तो मतलब क्या है, दोनों बॉल से जंगलिंग की प्रैक्टिस हो रही है। और वैसे भी जो ये वाली बॉल है, ये मैच वाली बॉल है, तो मतलब ये हमारे रेगुलर यूज़ होती है, तो इससे भी इसके भी टच में रहना बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए आज करते हैं फिर अपना टारगेट हिट कुछ नए स्टाइल से।
तो फ्रेंड्स ये 1000 एग्लिंग चैलेंज हमारा आज का कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस रहा। एक चीज़ और मैंने नोट करी, जब मैं छोटी बॉल के बाद बड़ी बॉल पे जा रहा हूँ, मतलब जगलिंग छोटी बॉल को ख़त्म करने के बाद मैं बड़ी बॉल को जगल करने जा रहा हूँ, तो मतलब बड़ी बॉल एकदम जाइंट टाइप की लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ से मैं जगल कर रहा हूँ। जब या आप भी ट्राई करना, जब आप छोटी बॉल से जगल कर रहे हो एकदम सा बड़ी बॉल पर शिफ्ट हो जाओ तो एकदम इल्यूजन सा क्रिएट होता है। तो फिलहाल आज की जगलिंग कंप्लीट हो गई हमारी। और तो फ्रेंड नॉर्मल जगलिंग तो मेरी 4-5 दिन से हो रही है, तो मैंने कहा थोड़ा क्रिएटिव सा बनाते हैं और चैलेंजिंग सा बनाते हैं। फ्री स्टाइल से क्या होगा, वीडियो में भी थोड़ा क्रिएटिविटी ऐड हो जाएगी और बस यही पर्पज़ था। तो मतलब मज़ा भी आ रहा है एकदम। और अभी शायद मैं नीचे जाता हूँ और पानी वानी पी के फ्रेश होके शायद अभी एक चैलेंज और करूँगा। फ्रेंड्स मेरी रूबिक्स क्यूब वाली वीडियो में मेरे एक दोस्त ने कमेंट करा था कि उसका रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने का टाइमिंग 25 सेकंड्स है, तो आज मैं उसको ब्रेक करने की भी कोशिश करूंगा। तो पहले मैं बहन को लेता हूँ क्यूब शफल करने के लिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी बहन को दे दिया इसे शफल करने के लिए, तो अब वो शफल कर रही है, तो जल्दी से कर दे बहन। हो गया, एक मिनट मेरे को रीड करने दे। चल ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स 18 सेकंड में मैंने इसे सॉल्व कर लिया है और सिर्फ 18 सेकंड में सॉल्व हो गया है। तो मतलब रिकॉर्ड तो मैंने ब्रेक कर दिया है, तो अपना भी रिकॉर्ड ब्रेक करा, दोस्त का भी ब्रेक करा, काफ़ी खुशी हो रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को ये खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।